Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video I'll be sharing with you guys how to make mutton pulao at home. सबसे पहले आपने तेल लेना है, उसमें करी पत्ता, इलायची, बड़ी इलायची, सिनेमन स्टिक, ये गरम मसाले डालना है, कांदा ऐड करना है और आपने भूनना है. कुछ लोग ज़ीरा ऐड करते हैं, मैं ज़ीरा ऐड करती हूँ, कुछ लोग नहीं ऐड करते, डिपेंड करते हैं आप गरम मसाले में से कौन से खड़े मसाले ऐड करते हो वो चीज़ों पर. ये सब ऐड करने के बाद, आपने अनियन ऐड करने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स आउट करना है. इतना करना है कि जो अनियन है वो हल्का सौगी सा हो जाए, तब तक आपको इसमें इस तरह से भूनते रहना है. ये देखिए कुछ इस तरह से. मेक श्योर करें कि जब आप इसे भूनें तो ये अनियन जल ना जाए, मतलब आप पास पर रख के छोड़े ना बिल्कुल भी, और इसको एकदम ब्रिस्ता वगैरह में नहीं बनाना है, हमें सिर्फ मेक श्योर करना है ये हल्का हल्का सा सौगी हो जाए तब तक. दूसरी साइड पे हम गरम मसाला निकाल लेंगे, जिसे अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट और उसके ऊपर धनिया पाउडर, ये हमने साइड में निकाल लिया है. और ये देखिए यहाँ पे हम मसाले को अच्छी तरह से भून रहे हैं. मसाले को भूनने के टाइम ऊपर से एक चम्मच असली घी ऐड कर दिया और फिर हमने इसको अच्छे से भून लिया. अब भूनने के बाद हम इसमें हरा मसाला जो ऐड करेंगे, हमारा मेन ये हरा मसाले का मटन पुलाव है. तो इसमें देखिए कांदा जब इतना सौगी हो जाए तब इसमें हमने ऐड करना है हमारा हरा मसाला, मेन हरा मसाला जो कि अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट है और धनिया ऊपर से जो हमने ऐड किए हैं वो. ये सब ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है. इसमें मेक श्योर करना है कि मसाला और अनियन ये सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए. जब ये एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और फिर इसको हमें मिक्स करने छोड़ देना है. यहाँ पे हमने बाहर दही निकाले हैं, मटर निकाले हैं जिसको हमने साइड में रखा है. मटर और दही को, दही भी आपने यूज़ करना है और मटर भी आपको यूज़ करना है. मटर आप डिपेंड करता है, मटर और आलू आपको डालना है तो आप डालें, नहीं डालना है आपको नहीं डालें. यहाँ पे हमने मटन ऐड किया है, अच्छे से क्लीन करके हमने रखा था. अब क्लीन करने के बाद इसको मैं मसाले के साथ हमने मटन ऐड किया. मटन को ज़्यादा टाइम लगता है सो मैं अलग से कुकर में मटन को नहीं भूनती हूँ, मैं मटन को इसी में ऐड करती हूँ और इसी में भूनती हूँ. ऊपर से नमक ऐड किया, नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भूनने रख दिया है कुछ इस तरह से. ये देखिए यहाँ पे मटन और ये अच्छे से भून जाए और इस तरह से कुछ अलग हो जाए जब ऑयल और मसाले, तब इसमें हमने मटर ऐड किया है. मटर ऐड करने के बाद भी हमें 3 to 4 मिनट कम से कम इसे अच्छे से भूनने छोड़ देना है और उसके बाद हमें जब मटर हल्का नरम सा होने लगे तब हमने इसमें ऐड करना है दही. अब यहाँ पे बाजू में गर्म पानी रख रही हूँ, जैसे मुझे 2 ग्लास राइस बनाना है तो 5 ग्लास गर्म पानी को गर्म कर रही हूँ. बिकॉज पानी में आप इसमें डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो या आप गर्म गर्म ऐड करोगे तो ज़्यादा बेटर है, वो हीट ऑफ टाइम नहीं लेगा हीट होने के लिए और वो फास्ट कुक होगा. ओके, यहाँ पे पानी गर्म करने वन साइड रख दिया है, दूसरे साइड हमारा मसाला जो है वो भून रहा है. मटर को हमने ऐड करके 3 to 4 मिनट्स लो पे छोड़ दिया है. यहाँ पे हमने चेकआउट किया, चेक करने के बाद हम इसमें ऊपर से दही ऐड करेंगे. दही ऐड करने के बाद अब हम इसको करेंगे इसकी मिक्सिंग. दही ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके 4-5 मिनट सेम उसे स्लो आँच पर छोड़ देना है कि मसाला अच्छे से भून जाए आपस में. ये देखिए दही ऐड करने के टाइम, और जब भी आप दही ऐड करें तो आप मेक श्योर करें इसको अच्छे से मिक्स आउट करें. और फिर हमने इसमें राइस ऐड किया, राइस ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि मसाला और चावल एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए कुछ इस तरह से. ये देखिए ये यहाँ पे हमने मसाले के साथ राइस को अच्छे से मिक्स कर लिया. जब राइस और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें हमने ऐड करना है पानी. ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे अभी पानी, जितना पानी हमने 5 ग्लास गरम करने के रखा था वो थोड़ा तो कम हो जाता है सो 1 ग्लास एक्स्ट्रा गरम करना है आपने और इसमें ऐड कर देना है. इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया और इसको दम लगा के छोड़ देंगे. ऊपर से थोड़ा सा कोथमीर ऐड करना है और 1 चम्मच या आधा चम्मच कम से कम आपको इसमें गरम मसाला ऊपर से ऐड कर देना है. ये सारी चीज़ें ऊपर से ऐड कर लिया हमने और इसको ढक्कन लगा के दम पर छोड़ देना है. टिल इट गेट कुक प्रॉपरली थोड़े थोड़े टाइम में चेक करते रहना है कि पानी कम हो रहा है या कुछ चीज़ें लग रही है ऊपर से करने, हल्का सा 1 चम्मच मारना है आपने इसमें चेक करने के टाइम. बस दैट्स इट, यू हैव टू डू दिस थिंग ट्वाइस और उसके बाद आपको जब लगे दम कंप्लीट हो गया, चावल अच्छे से पक गए,
तब आपको इसको निकाल लेना है। ये देखिए यहाँ पे ये रेडी हो गया था एंड इट वाज वेरी टेस्टी एंड यमी। सो इफ़ यू गाइस लाइक माय वीडियो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल दैट बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ये देखिए यहाँ पर मटन पुलाव हो गया रेडी।